जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 4 दिनों के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने लोगों को थोड़ी राहत की सांस दिलाई है। कुछ इलाकों में प्रशासन ने स्कूलों को खोलने के आदेश दिए हैं और सुबह 11 से 5 बजे तक बाजार खोलने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा शुक्रवार की नमाज के लिए लोगों को राहत दी गई है, उन्हें स्थानीय मस्जिदों में जाने की सहूलियत दी गई है। NSA अजीत डोभाल ने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी कश्मीर को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन ने ये भी कहा है कि संवेदनशील इलाकों में अभी भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, धारा 144 भी लागू है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसमें ढील भी दी गई है। जामा मस्जिद में कोई धार्मिक सभा नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी में लोगों को स्थानीय मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों में ढील दी गई है। हालांकि ऐतिहासिक जामा मस्जिद में शुक्रवार को कोई धार्मिक सभा नहीं होगी। डोभाल ने शुक्रवार को श्रीनगर का दौरा भी किया है और इलाके में 2 घंटे से ज्यादा समय भी बिताया है। उन्होंने सैनिकों और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की है और CRPF कर्मियों के साथ लंच भी किया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर येचुरी को भी रोका गया। माकपा महासचिव शुक्रवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें हवाई अड्डे पर ही रोक लिया। येचुरी यहां अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिसके तहत उन्हें यहां पर सुरक्षा कारणों के चलते उन्होंने अधिकारियों ने येचुरी को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था, उन्हें वापस दिल्ली लौटा दिया गया था। उनके साथ प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर भी थे। रिपोर्टों की बात माने तो आशंका जताई गई है कि सरकार के विरोध में विपक्ष के नेता राज्य में विरोध प्रदर्शनों के लिए लोगों को उकसा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से धारा 144 लागू की गई है। कश्मीर की स्थिति बंदी शिविर के समान है, ये कहना है अधीर रंजन चौधरी का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की थी कि हम कश्मीरियों को गोलियों से नहीं बल्कि उन्हें गले लगाकर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज कश्मीर में स्थिति बंदी शिविर के समान है। घाटी में मोबाइल और इंटरनेट बंद है, अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। सरकार ये कदम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठा रही है। जम्मू कश्मीर से संबंधित अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।